सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक का सेवन ना करें। सूर्य और चंद्र स्वर की सहायता से चक्र जागरण। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्र दोनों के बारे में, और आपके कुछ प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं आज, और कुछ आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आगे, तो आपको पता रहे कि हम किस तरह किस सिस्टम से आगे बढ़ने वाले हैं हम। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि सूर्य और चंद्र दोनों स्वर के बारे में जान लिया, दोनों में से कौन सा स्वर अच्छा है। तो इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। आपने पहले सुन रखी होगी, दोबारा सुन लो एक बार। पुराने समय में लगभग 700-800 साल पहले कुछ भारतीय विद्वानों का एक ग्रुप, एक समूह जो है पंडितों का, कुछ दूसरे देश में गया यात्रा करने के लिए, जैसे आजकल कल्चरल एक्सचेंज होता है इस तरह से। तो वहाँ का जो राजा था उसने एक पंडित जी से पूछा कि तुम्हारे देश का सबसे महान आदमी कौन है। तो पंडित जी ने पूछा, महाराज आजकल के समय की बताऊं या सारा बता दूं आगे पीछे का। महाराज ने कहा सारा बता दो, सबसे महान आदमी आज तक भारत में कौन हुआ है। बोले काम तो बहुत कठिन है। जो ब्राह्मणों का ग्रुप था लगा रहा रात भर, कई दिन लग गए। वो कहते हैं भारत में तो बहुत महान पुरुष हुए हैं, अब किसका नाम लें। राजा ने एक नाम पूछ लिया। तो कुछ समय बाद वो निर्णय करके आ गए कि महाराज हमने ढूंढ लिया है भारत के एक सबसे महान पुरुष को। महाराज बहुत उत्सुक, बोला कौन। बोले महाराज वो इतने महान कि हम क्या कहें आपसे। पंडितों ने बोला कि वो हो महान पुरुष जिसके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जिम्मेदारियों को बहुत सहज रूप से वहन करते हैं वो, और शारीरिक सौंदर्य तो इतना कि बस क्या कहूँ, और शक्ति के बारे में तो पूछे ही मत, और वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और उनकी बहुत सुंदर पत्नी और दो लड़के, उनके पूरा संपूर्ण परिवार, और हनुमान जैसे सेवक और लक्ष्मण जैसे भाई। तो राजा बहुत खुश हुआ श्री राम के बारे में सुनकर। राजा ने कहा मेरे लिए भी एक ऐसी कहानी लिखो। पंडितों ने कहा जरा महाराज जरूर लिखेंगे आप कहेंगे तो। पंडितों ने शुरू की कहानी लिखनी, महाराज के जीवन चरित्र को लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद पंडित आकर बोले, महाराज एक समस्या है, आपकी पत्नी का अपहरण कौन करेगा। महाराज ने तो तलवार निकाल ली, बोले किसकी हिम्मत है जो आंख उठा के भी देखे। बोले महाराज फिर तो रामायण हो नहीं पाएगी, क्योंकि रामायण तो तभी आगे बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पे राम और रावण दोनों हैं। बिना रावण के राम भी फीके लगते हैं रामायण में, और बिना राम के रावण कुछ भी नहीं। गलत और सही, दिन और रात, गर्म और ठंडा, जिस प्रकार से एक दूसरे के सदा साथ हैं, उसी प्रकार से सूर्य और चंद्र दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का बैलेंस बनाते हुए एक दूसरे को साथ में आगे बढ़ाते हुए। एक मैं जवाब ये नहीं दे सकता कि दोनों में से कौन अच्छा, बहुत ही गलत हो जाएगा ये कहना। तो
हाँ, ये आप कह सकते हैं किस समय कौन सा अच्छा स्वर है, किस समय किस स्वर की प्रधानता है, क्या काम आप कर रहे हैं उस समय वो स्वर अच्छा है। लेकिन पूरे रूप से ये बात कह देना कि यह स्वर अच्छा यह स्वर गलत, तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी वो। और एक मैजिकल नंबर जो सनातन धर्म में है 108, उस पर चर्चा शुरू करेंगे हम आने वाले कुछ हफ्तों में कि 108 की महत्ता क्या है, उसकी पूरी आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा बताऊंगा, और क्यों हर चीज़ पूरी इस संसार में पूरी इस सृष्टि में 108 के आसपास घूम रही है। आप सूर्य और चंद्र को देखें, अब ज़्यादा मैं डिटेल में आज नहीं बताऊंगा, सूर्य और चंद्र के साइज़ को, उनके डिस्टेंस को, सारी कैलकुलेशन 108 निकल के आती है। और फिर माला में 108 मणके होना और शरीर में 108 चक्र होना, 112 लेकिन 8 मुख्य। और फिर अनेक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं जो कि 108 के आसपास घूमती हैं, उसको भी समझाऊंगा आपको आने वाले कुछ हफ्तों में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सूर्य और चंद्र के साथ आगे बढ़ता है, वो है चक्र साधना। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो कि एक आप कह सकते हैं कि ऊर्जा के केंद्र हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, उसको भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि चक्र हमारे शरीर में कितने हैं, 7 बता दिए अभी, और कौन कौन से उनके नाम हैं, कैसे उनके रूप आकार हैं और क्या उनके फंक्शन हैं, वो किस कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर एक काम एक एक चक्र का है, ये जान लो। तो एक चक्रों के बारे में आपको बताना है कि, और हमारा मुख्य फोकस अभी भी सूर्य और चंद्र ही है, सूर्य और चंद्र स्वर हैं। सूर्य और चंद्र स्वर की सहायता से चक्र जागरण किस प्रकार से हो सकता है? हमारे सबसे पहले चक्र को समझने के लिए आपको अपने शरीर को गौर से देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार की है। अब आप कल्पना करें कि हमारे शरीर का आधार, हमारे शरीर का मूल कहाँ पर है। जब आप सुखासन में बैठ जाते हैं और जिस स्थान पर आपकी रीढ़ की हड्डी भूमि से थोड़ी ऊपर उठी होती है, स्पर्श करती है, लगभग उसी स्थान के आसपास हमारा मूलाधार चक्र स्थित है। यह चक्र लाल रंग का है और इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, और इस चक्र का मंत्र है लम लम लम। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है। और अब हम समझते हैं कि यह चक्र किस प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है और हमें किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करवा सकता है। मूलाधार चक्र की 3 संभावनाएं हैं, काम वासना, ब्रह्मचर्य। अक्सर आप जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी देखेंगे, इन 2 संभावनाओं पर बात की गई है, लेकिन मेरी दृष्टि में एक तीसरी संभावना भी मूलाधार चक्र की है, वह है नपुंसकता। जिस प्रकार काम वासना का संबंध हमारे केवल शरीर से नहीं, हमारे मन और हमारे विचारों से भी है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का संबंध भी केवल हमारे शारीरिक ऊर्जा से नहीं, हमारे विचारों और मन से भी है, उसी प्रकार नपुंसकता का संबंध हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे विचारों से भी है।
कोई भी स्त्री या पुरुष इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है और आप सदा ही ऐसा महसूस करेंगे यदि आप अपने शरीर के आधार में शक्ति महसूस करते हैं, ताकत महसूस करते हैं, तो आपको अलग ही आत्मविश्वास महसूस होता है। आप बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। यह इस बात का सूचक है कि मूलाधार चक्र शक्तिशाली है। और वैचारिक रूप में यदि आप काम वासना को समझ नहीं पाएंगे, काम वासना को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो जीवन भर या 70 साल हो जाए आपकी उम्र, या 80 साल हो जाए, या 150 साल हो जाए, जीवन भर आपकी शक्ति मूलाधार चक्र में ही अटकी रह जाएगी। कैसे हम मूलाधार चक्र की शक्तियों को परिवर्तित कर सकते हैं? उसका साधन है सजगता, उसका साधन है ध्यान। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो काम वासना से लड़ते नहीं, कोई भी काम वासना से लड़कर ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं हुआ, जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि, वह सजग होकर ध्यान के माध्यम से काम वासना से ऊपर उठे और ब्रह्मचर्य को प्राप्त किए। तीसरी अवस्था जिसके बारे में बात कोई नहीं करता कि नपुंसकता का क्या संबंध है एक साधक के लिए, एक साधना करने वाले के लिए। आप इस तरह से समझें कि आप एक तलवार को पहले किसी की हत्या करने के लिए यूज़ कर रहे थे, अब उस तलवार को आप किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की जान बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अब तलवार के दो यूज़ हो गए ना, एक तो अच्छा एक बुरा। लेकिन तीसरा यूज़ क्या है तलवार का? अगर तलवार को जंग लग जाए, मान लो खराब पड़ी रहे कहीं, या खराब बेकार फेंक दो आप उसको कहीं, तब क्या होगा? वैसे उस तीसरी अवस्था में आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही विचलित रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत कम रहेगा, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, लेकिन तब भी आप इस तीसरी अवस्था में रहेंगे जो कि नपुंसकता की अवस्था है। ना ही आप शारीरिक रूप से शक्ति महसूस कर पाएंगे, ना ही आप मानसिक रूप से सहज हो पाएंगे कभी भी। और एक और भी अवस्था मूलाधार चक्र की होती है कभी कभी, जिसमें इस चक्र का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है को ऐसे समझें जैसे पंखा चल रहा है, छत पे लगा हुआ पंखा चल रहा है, और चलते हुए पंखे को कोई हिला दे अगर, तो उसके पर हिलने लग जाते हैं, तो उस पंखे का कुछ देर के लिए बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो हवा वैसे नहीं आती जैसे आनी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो बिना किसी कारण के ही असुरक्षित और डरा डरा महसूस करेगा। आप इन लक्षणों को पहचान लें, इन लक्षणों को जान लें, और चिंतित रहेगा और ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, और वजन उसका कम हो जाएगा, चाहे दिखने में शरीर में फुलावट लगे लेकिन शरीर में शक्ति नहीं होगी, और कब्जे की, कॉन्स्टिपेशन की उसको समस्या रहेगी। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति जिसका बैलेंस में है मूलाधार चक्र, वो बहुत ही सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करेगा, इस रूप में शारीरिक और मानसिक रूप में, और खाना पीना उसका बहुत हेल्दी होगा और पेट उसका बिल्कुल साफ रहेगा, ठीक रहेगा। ये सब लक्षण हैं मूलाधार चक्र के बैलेंस को चेक करने के लिए। यह हमारे भौतिक शरीर से संबंधित है, इसलिए यह हमारे भौतिक शरीर को बहुत अधिक रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हम अपनी शक्ति को एक चक्र से दूसरे चक्र में और शरीर में परिवर्तित करते हैं। मूलाधार चक्र का संबंध हमारे भौतिक शरीर से है, और यदि इस ताले को हमने खोल दिया,
इस शक्ति को हमने जागृत कर दिया तो पूरा शरीर ही असीम शक्तियों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने अनेक लोगों को इस प्रकार से देखा होगा कि उम्र उनकी चाहे कुछ भी हो गई हो लेकिन काम वासना से वो पार नहीं पा पाते। 75-80 साल की उम्र हो गई लेकिन बच्चों की तरह बातें करते हैं और काम वासना में उनकी उतनी ही उनका इंटरेस्ट होता है जितना किसी 16-17 साल के लड़के का होता है। तो ये क्या उनके शरीर की मांग है? आप ऐसा समझें तो शरीर की तो नहीं होगी, ज़रूर उनके मन के अंदर ये विचार ही उठता होगा केवल। और जब उन्होंने सजग रह के काम वासना का भोग नहीं किया तो वो उनको हमेशा ही परेशान करेगा क्योंकि शक्ति वहाँ अटक गई है। कई लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पैसे की बात करो आप उनसे, खाने पीने की बात करो, समाज में नाम होगा उसकी बात करो, या शारीरिक शक्ति को बढ़ाएं, व्यायाम करें, कुछ ऐसी बात करें, घूमने फिरने, वो कहेंगे नहीं काम वासना की बात करो सिर्फ। कई लोगों की ऐसी शक्ति होती है कि वो सिर्फ सारा केंद्र उनका, सारा सोच, सारी चिंतन उनका काम वासना के चारों तरफ ही घूमता रहता है हमेशा। कुछ भी बात करो आप वहीं से वो डबल मीनिंग बात कुछ बोलेंगे और सारा हमेशा एंगल घुमा के वहीं बात ले आएंगे वो। क्या क्या कारण होगा, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। उनकी शक्ति वहीं मूलाधार चक्र में अटकी हुई है, वो अभी पहली सीढ़ी पर ही खड़े हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ये आपने समझना है, ये जानना है। और उसके साथ साथ चक्रों से जुड़ी फिर हम बात चली है तो फिर एक और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति। आपको जान के हैरानी होगी, भारत में इतना पॉपुलर नहीं है ये टॉपिक, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। बाहर विदेशी जो लोग आते हैं इंडिया में और जो बाहर लोग जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनके बीच में कुंडलिनी योगा बहुत फेमस है। तो ये भी आपको समझाऊंगा कि क्यों फेमस है उनके बीच में और हमारे बीच में फेमस क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न है। और उसके बाद फिर हम एक बात तत्वों पर भी करनी है, पंच तत्वों पर, पंच तत्वों की पहचान शरीर में कैसे की जाए और तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए। इसके अलावा एक मित्र ने प्रश्न किया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के समय चक्रों का क्या महत्व है या चक्रों से कैसे सहायता ली जाए। तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है सबके। अब मेरे को नहीं पता कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो ये अलग से मैं बता पाऊँगा आपको। तो अगर कुछ आपके ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं उनसे का अलग से जवाब दे सकता हूँ। आप मेरे को मेल भेज सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप अपनी साधना में, देखिए हमारा उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को आने वाली अगली पीढ़ी को थमाएं, उतनी ही सजगता के साथ जैसे वह ज्ञान हमारे तक पहुंचा है। तो उसके लिए सिर्फ बातें करने से काम चलेगा नहीं, आपको जीवन में साधना उतारनी होगी, जीवन को साधनापूर्ण बनाना होगा। तब जो लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे वह हजार बातें करने से ज़्यादा लाभकारी और प्रभावशाली होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व हो और हम भारतीय संस्कृति को प्रसारित करें समाज में, अपने आसपास, और हमें प्रतिपल गर्व हो कि किस परंपरा से हम आते हैं और उसकी क्या देन है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अभी जैसे कि पूरा संसार ही संघर्ष कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति में बिताएं, आयुर्वेद को अपनाएं जीवन में, जितना भी प्रोसेस फूड है या पैकेट में बंद खाना है उसको ना खाएं, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक का सेवन ना करें।
गुड़ शहद का सेवन करें, सेंधा नमक का सेवन करें, और जितना प्रकृति के पास जाएंगे, जितना आप सूर्य की रोशनी में अपने आप को लेकर आएंगे, जितना एक्सपोज करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक है, शारीरिक मानसिक दोनों ही तरह से। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में फॉलो करें आप, तो हम कुछ करने में बहुत ही सफल हो पाएंगे। और अगले वीडियो में मैं इस बात पे कोशिश करूँगा चर्चा करने की कि 108 के नंबर के बारे में आपको बता पाऊँ और चक्र के बारे में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्ते।